मना किया था ना माया, मगर तुम्हारी तो बात ही समझ नहीं आती। जरूर मिकी ने तुम्हें फोर्स किया होगा। सबके सामने हुआ ये सब यार, सब क्या सोचेंगे? मुझे कोई परवाह नहीं है सब क्या सोचेंगे, मुझे सिर्फ ये परवाह कि तुम क्या सोचते हो। बच्चों जैसी बातें मत करो माया, मिकी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, सब तुम पर उंगलियां उठाएंगे माया। तुम मेरे दोस्त हो आगा, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, यहाँ तो मुझे डरा रहे हो और वहाँ मिकी है मुझे हौसला दे रहा है कि वो सबको संभाल लेगा। तो जाहिर है उसको संभालना पड़ेगा ना, क्योंकि भंड तो उसने मारा है। और कैसे संभाल रहा है वो सब कुछ, इमरान को धमकी देकर, पूरे कॉलेज को धमकी देकर, किस किस को धमकी देगा वो माया? पहले वो SMS का मसला कम था, जो ये नया मसला तुमने खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया है? मुझे नहीं पता, मगर नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा यार। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तुम्हारे पीछे कौन क्या कर रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता माया। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम लोग कौन से बेहतर हो? जो भी तुम्हारे दिल में तुम ऊपर ये बात लाते हो, वहां मिकी तुमसे चिढ़ता है, यहां तुम उससे चिढ़ते हो, फिर वो EA-703 सब साथ मेरे दिमाग पर सवार हो गए। तो निकाल दो ना दिमाग से। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, मेरी, मिकी की, या वो EA-703? मुझे नहीं पता। तो पता करो माया। और एक बात और, आज के बाद मैं तुम्हें मिकी के साथ नहीं देखूं। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले कि मैं किससे मिलूं किससे नहीं मिलूं? तुमसे मैं पूछ के लोगों से नहीं मिलती हूँ, समझ आई? मुझे कोई शौक नहीं किसी को डिक्टेट करने का, ठीक है? तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। प्रोटेक्ट हो या जो भी हो, तुम्हें मेरी जिंदगी के फैसले करने का कोई हक नहीं है, समझ आई? माया सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के फैसले नहीं, इसके साथ साथ मेरी भी जिंदगी के फैसले जुड़े हैं यार। क्यों भाई? बिकॉज़ इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, दैट आई लव यू। मोर सैया बेदर्दी शक किया उन्होंने, और वैसे भी तुम कितने इनोसेंट हो ना, बिल्कुल शाहिद कपूर की तरह, बस थोड़े से काले हो। बकवास नहीं करो, वो इनोसेंट नहीं, इनोसेंट होता है। हाँ हाँ, सारा गुस्सा मुझे पे उतार दो, उन्हें पूछना कि ना मैंने तो तुम पे तब भी शक नहीं किया तुम शबाना को कोचिंग छोड़ने जाते थे। उस पे शक बनता भी नहीं है, 12 साल की बच्ची है वो, और वो तो शक करेंगे ना, उनको थोड़ी पता मैं मिकी से क्या बात कर रहा हूं। तो ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे गैंग वाले सॉरी बोले ना मेरे सामने, वरना तो एक-एक को लाइन में खड़ा करके ना चमाट मारूंगी। तुम अपने काम से काम रखो, और वो मेरे दोस्त है, मैं उनको नहीं बोलूंगा कि तुमसे सॉरी करें। हो ही ना जाए वो तुम्हारे दोस्त, और ज़ेन वो तुम्हारा दोस्त, उसने तो छुरा घोंप दिया तुम्हारे गैंग में, और तुम्हें तो असल बात पता भी नहीं है। कौन सी बात? वो जब तुम 3 दिन तक कॉलेज नहीं आ रहे थे ना, तो वो मुझे रोज लाइन मारता था। हाँ, रोज प्रपोज करता था। प्रपोज? और ज़ेन? हाँ, रोज कहता था तुम्हें बाइक पे घर छोड़ दूं। प्रपोज करना थोड़ी होता, प्रपोज का मतलब आई लव यू। आई लव यू बोल ही ना दे, मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। बात सुनो, एक बात याद रखना, आई लव यू सिर्फ तुम ही बोल सकते हो मुझे। खैर, और क्या कह रहा था ज़ेन? और ना उसने 3 मरतबा ना मेरे नंबर पे ना 20 रुपए का लोड कराया, और मैं भी कितनी सियाणी हूँ ना, सारा का सारा क्रेडिट तुम ही पे इस्तेमाल कर दिया। खैर, ज़ेन सही लड़का नहीं, उससे नहीं मिला करो, और नेक्स्ट टाइम वो क्रेडिट भेजे तो मुझे फॉरवर्ड करना। अब जाओ। आज ना मैं अम्मी के साथ ना हेदरी जा रही हूँ, तुम भी चाट के ठेले वाले के पास आ जाना, अलग अलग टेबल पर ना साथ बैठ के चाट खाएंगे। ठीक है। और बात तो सुनो, अब क्या है, आ रहा हूँ ना हैदरी। आई लव यू टू। कटो माया। कुछ तो बोलो माया। क्या बोलूं आगा, तुमने बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जरा सा क्या बोल दिया मैंने, और कभी ना कभी तो मुझे बोलना ही था ना आगा। ये बात नहीं है, मुझे लगता था तुम मेरा ख्याल इसलिए रखते हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, और तुम मेरे लिए सब चीज़ें इसलिए करते हो क्योंकि तुम बदले में कुछ नहीं मांगोगे। ये सब तो तुम अभी भी कर सकती हो माया,
It's not the same, आगा। तुमने मुझे कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और शायद दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो प्यार के बदले में प्यार ना मांगे। I'm sorry, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझ में क्या बुराई है माया? माया मैं तुम्हें डांटता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ। इसके अलावा और क्या बुराई है मुझ में? ये तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, मगर अब सब कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है माया, मैं अभी भी वही आगा। तो प्लीज एक बार सोच कर तो देखो। आगा मुझे फोर्स करने से कुछ नहीं होगा, और मैं ज्यादा मुश्किल में हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती, और तुम्हारे साथ रह के तुम्हें धोखा भी नहीं देना चाहती। बेसिकली तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर क्या जरूरी है कि हर रिलेशनशिप को एक टाइटल दिया जाए? नाम देना जरूरी है क्या? हाँ, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना जरूरी है। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, हाँ या ना। आगा समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें नजरों से कभी नहीं देखा है। एक बार माया, एक बार देख कर तो देखो।